बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इसका। ये सिर्फ इंट्रो है क्योंकि आगे जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो थोड़े से हार्ड होंगे। तो रेशनलाइज, क्वेश्चन में लिखा है रेशनलाइज द फॉलोइंग। इसका मतलब ये होता है रेशनलाइज का कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसी टर्म से, बस सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस, और ये स्क्वायर में आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है ये कैंसिल हो जाएगा इससे। 4 माइनस 3 1, तो आंसर आया ये, यानी कि ये टर्म आपकी रेशनलाइज हो गई है और इसका आंसर आया है ये। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, दोनों स्क्वायरिंग आपस में कट जाएंगे तो ये 2 बचेगा सिर्फ। फोर टू ज़ा 8, नाइन माइनस 8 1, यानी कि टर्म आपकी रेशनलाइज हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, यानी ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपने, टर्म वही रहेगी, सब साइन चेंज करेंगे। फाइव फाइव ज़ा 25, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, इस 6 से दोनों 6 स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 6 बचेगा। 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा। 25 माइनस 24, नीचे 1 बचेगा, यानी कि आपकी ये टर्म रेशनलाइज हो गई। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं इसके। अब इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, तो आपने फाइंड करना है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो अभी पीछे हमने सीखा है पिछली वीडियो में कि कैसे करते हैं रेशनलाइज। अगर एक्स आपके पास ये है तो 1 अपॉन x क्या होगा, इसको अपॉन में लेके आ जाएंगे, मगर अभी इसकी वैल्यू आई नहीं है, इसको रेशनलाइज करना ज़रूरी है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ये माइनस में है या प्लस में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 और 2 स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये स्क्वायर जगह स्क्वायर से रूट कट जाता है, 2 2 ज़ा 4, माइनस 3, 1, यानी कि 1 अपॉन x आपके पास क्या आया रेशनलाइज करने के बाद। अब आपने मालूम करना है एक्स प्लस 1 अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 2 माइनस अंडर रूट 3, इस फॉर्मूले का प्लस लगा देंगे, 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आई, ये प्लस 2 और प्लस 2 हो जाएगा 4, माइनस 3 और प्लस 3 अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा,
जब वैल्यू सेम हो और साइन चेंज हो तो वो चीज़ कैंसिल हो जाती है पूरी। एक चीज़ तो आ गई, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, इसी की स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सपोज़ ये ए है, ये वाला बी है, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए के बदले एक्स, बी के बदले वन अपॉन एक्स, बी का स्क्वायर यानी वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। फोर को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, इस एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस टू है, यहाँ पे जाके माइनस टू, ये आ गया फोर्टीन। हमने ये भी फाइंड कर लिया और हमने ये भी फाइंड कर लिया।